हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोटर यूनिट मोटर यूनिट को समझने से पहले आपको मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर्स का आपस में कैसे रिलेशन होता है ये जानना जरूरी है तभी आप मोटर यूनिट को समझ पाएंगे तो इसके लिए आप ये डायग्राम देखें ये हमारा है स्पाइनल कॉर्ड और ये स्पाइनल कॉर्ड में है एंटीरियर हॉर्न सेल ये होती है एंटीरियर हॉर्न सेल ये डॉसल हॉर्न होता है ये वेंट्रल हॉर्न होता है या एंटीरियर हॉर्न कहलाता है एंटीरियर हॉर्न सेल से फाइबर्स जाते हैं मोटर न्यूरॉन और कौन से मोटर न्यूरॉन होते हैं दे आर नोन एज एल्फा मोटर न्यूरॉन्स तो ये मोटर न्यूरॉन्स हैं अब इसको मैंने एक जस्ट एक ब्लू से बना दिया दो ब्लैक से बना दिया जस्ट टू समझाने के लिए यहां पर बहुत सारे मोटर न्यूरॉन्स हो सकते हैं ये हमारी है मसल्स इस मसल में कई सारे मसल फाइबर्स हैं अब इनमें से आप देखेंगे कि ये जो नंबर वन टू एंड थ्री जस्ट मैंने तीन मोटर न्यूरोन बनाए हैं नंबर वन वाला मोटर न्यूरोन आके इनको सप्लाई कर रहा है इसको इसको इस मसल फाइबर्स को यानी कि शुरू के तीन मसल फाइबर्स को तो ये जो मोटर न्यूरॉन है दूसरा वाला ये फिर से और को सप्लाई कर रहा है अगला थर्ड आ रहा है वो इन लास्ट वाले दो को सप्लाई कर रहा है तो ये जो एक सिंगल मोटर न्यूरॉन अलॉन्ग विद इट सप्लाइंग मसल फाइबर्स दैट इज नोन एज अ मोटर यूनिट यानी अगर इसमें आप बात करेंगे तो एक मोटर यूनिट तो ये है एक मोटर यूनिट ये है और एक मोटर यूनिट इस एग्जाम्पल में ये है तो यानी कि मोटर न्यूरॉन एंड इट्स एक्जोनल ब्रांचेजल ब्रांचेस हैं आप ये भी बोल सकते हैं कि मोटर न्यूरॉन एंड इट्स एक्सोनल ब्रांचेस अलॉन्ग सप्लाइंग मसल फाइबर्स आर नोन एज अ मोटर यूनिट या फिर जस्ट आप बोल सकते हैं अ सिंगल मोटर न्यूरोन अलोंग विद इट्स सप्लाइंग मसल फाइबर्स ये ध्यान रखना है ये न्यूरोन है और ये मसल फाइबर्स हैं तो डेफिनेशन वाइज क्या हो गया है? इसकी डेफिनेशन डेफिनेशन होगी ए सिंगल मोटर न्यूरॉन अलोंग विद इट्स सप्लाइंग मसल फाइबर्स इज अ मोटर यूनिट ऐसी मोटर यूनिट किसी भी मसल में बहुत सारी हो सकती है या कम भी हो सकती है अब ये जो मोटर यूनिट है इस मतलब जो ये तो मोटर यूनिट है इसकी क्या क्या खास बात होती है सबसे पहली बात होती है कि ये मोटर यूनिट में जितने भी मसल फाइबर्स हैं वो सेम टाइप के मसल फाइबर्स होते हैं क्या मतलब जो मसल फाइबर्स होते हैं किसी भी मसल में वो टाइप वन हो सकते हैं जिनको हम स्लो फाइबर्स कहते हैं और टाइप टू फाइबर्स हो सकते हैं जिनको हम फास्ट फाइबर्स कहते हैं तो इसमें से जो भी सप्लाइंग है अगर वो एक है जैसे ये वाली मोटर यूनिट है इसमें अगर होए तो या तो सारे फास्ट ही होंगे या फिर वो सारे के सारे स्लो ही फाइबर्स होंगे लेकिन अलग अलग मोटर यूनिट है इसमें तो हो सकता है यहां पर ये यह सारे ग्लाइकोलाइटिक हो, हो सकता है यहां पर ये यह सारे आपके ऑक्सीडेटिव फाइबर्स हो ठीक है तो यानी कि इन अ सिंगल मोटर यूनिट सबसे पहली बात होती है ऑल फाइबर्स आर ऑफ सेम टाइप कौन से फाइबर्स मसल फाइबर्स और मसल फाइबर्स आर ऑफ सेम टाइप सेम टाइप के हिसाब से इसको दो तरह की यूनिट में डिवाइड किया जाता है जिनमें स्लो फाइबर्स होते हैं, वो स्लो या ऑक्सीडेटिव मोटर यूनिट कहलाती है अगर आप टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स की वीडियो देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि ये जो स्लो वाले होते हैं टाइप वन फाइबर्स होते हैं तो मेनली जो है ना टाइप वन फाइबर्स जो होते हैं वो स्लो वाले होते हैं और जिनमें स्लो है और ऑक्सीडेटिव फाइबर है इनका नाम हो जाता है स्लो मोटर यूनिट या ऑक्सीडेटिव मोटर यूनिट जिनमें फास्ट होते हैं तो उनको फास्ट यूनिट या फिर ग्लाइकोलाइटिक मोटर यूनिट कहते हैं और इनमें एक खास बात होती है कि ये सारी मोटर यूनिट जो होती है मतलब मोटर यूनिट फोलोज ऑल और नन लॉ ऑल ऑरनन लो क्या कहता है ऑल ऑरनन लो कहता है कि या तो सारे के सारे मसल फाइबर्स उस मोटर यूनिट में जो भी हैं वो सारे फायर करेंगे मतलब कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे या फिर वो फायर नहीं करेंगे वो नहीं क्यों कब-कब नहीं करेंगे किसी भी एक मत, जो मसल फाइबर्स होते हैं जो कोई भी मतर, मोटर मोटर यूनिट है उसका एक थ्रेशोल्डो हो, स्टिमुलस होता है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का मतलब है कि मिनिमम उसको उतना स्टिमुलस चाहिए कॉन्ट्रैक्शन देने के लिए ठीक है और अगर उसने थ्रेश से कम का स्टिमुलस दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी मोटर यूनिट और अगर उस, आपने उससे ज्यादा का दिया चाहे मतलब थ्रेश तक अगर आप आ गए तो सारी की सारी जो मसल फाइबर्स हैं किसी एक मोटर में वो एक, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे लेकिन आप उससे ज्यादा बढ़ाते जाओ तो जो सेम यूनिट है वो उतने ही फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन से कॉन्ट्रैक्ट करेगी इसे हम कहते हैं ऑल और नन लो इसको आप कैसे समझोगे सपोज करोगे आपने यहां पर इस जस्ट फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने तीन मोटर यूनिट बना दी है वन टू एंड थ्री हो सकता है इसका थ्रेश होल्ड सपोज करो ट्वेंटी मिली वोल्ट है जस्ट फॉर एग्जाम्पल टू वाली का जस्ट फॉर एग्जाम्पल है थर्टी मिली वोल्ट और आ, या फोर्टी लेते हैं तब आप और अच्छे से समझ सकते हो फोर्टी मिली वोल्ट और थ्री वाली का है सिक्सटी मिली वोल्ट अब आपने जब इसको स्टिमुलस दिया तो मसल जो है यहां पर ये जो मोटर न्यूरॉन है वो फायर करेंगे और मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आप उसकी एक रिकॉर्डिंग ले सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल मसल ट्विच सिंपल मसल ट्विच ओके ये एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंटल में अगर हम देखते हैं वैसे तो बॉडी में मसल में ट्विच हो रहा होता है मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है डिपेंड करता है कि कोई मसल बहुत कम फोर्स से भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है जरूरत पड़ने पर वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जैसे अगर मैं एक बाल्टी उठाऊँ तो हो सकता है मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है एक मैं बॉल उठाऊँ तो मुझे कम मसल फाइबर्स को काम कराना पड़ रहा है तो सिंपल मसल ट्विच क्या होती है वैन यू गिव वैन वी गिव अ स्टिमुलस टू अ मोटर निरॉन देन दसल फाइबर द मसल मसल इज कॉन्ट्रैक्टिंग दैट इज नोन एज मसल ट्विच किसी भी मसल ट्विच में क्या होता है एक ग्राफ आता है इस तरीके का इस ग्राफ में क्या होता है इसमें इसलिए मैं दोबारा बना रही हूं इसको कि ये रिलैक्सेशन पीरियड इसमें लंबा होता है जैसे आपने यहां पर स्टिमुलस दिया इधर की तरफ आ रहा है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ये आपकी इस एक्सेस पे इस पर आपका टाइम आ रहा है मिली सेकेंड में किसी भी इसको एक यहां से लेके यहां तक ट्विच करने में जो ऑलमोस्ट एक एवरेज टाइम लगता है वो होता है हंड्रेड मिली सेकेंड ओके अब इसमें जैसे ही आप स्टिमुलस दोगे ये एक पॉइंट ऑफ स्टिमुलस है ये वाला यानी आपने यहां पर स्टिमुलस दिया लेकिन आप देखेंगे कि एकदम कॉन्टेक्ट करना शुरू नहीं किया थोड़ी देर तक ये ही रहा उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू होता है तो ये जो टाइम होता है जिसमें इसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया फ्रॉम द स्टिमुलस टू स्टार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इट इज नोन एज लेटेंट पीरियड और इसको बोलेंगे हम कॉन्ट्रैक्शन पीरियड और यहां तक होता है रिलैक्सेशन पीरियड तो ये लेटेंट पीरियड लगभग 10 मिली सेकेंड का आता है कॉन्ट्रैक्शन पीरियड आपका ऑलमोस्ट 40 मिली सेकेंड का होता है और ये होता है अप्रोक्सीमेटली 50 मिली सेकेंड का तो ये सिंपल मसल ट्विच है अब सपोज करिए कि आपने 10 मिली वोल्ट इसको दिया स्टिमुलस 10 मिली वोल्ट दिया सपोज यही एक असेंबली है तो 10 मिली वोल्ट किसी का भी थ्रेश नहीं है इसलिए आपको कुछ नहीं मिलेगा यू विल गेट नथिंग कुछ नहीं मिल रहा है आपको कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं आएगा जब आपने 20 मिली वोल्ट दिया तो जिन जिनका थ्रेश होल्ड ट्वेंटी मिली वोल्ट था वो सारी की सारी मोटर यूनिट फायर कर गई और आपको एक कॉन्ट्रैक्शन मिला उनके फायर होने से अब आपने आप 30 किया तो भी आपका जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन उतना ही रहेगा क्योंकि 20 वाली ऑलरेडी 20 ट्वेंटी मिलीवोल्टे कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी और उनको 30 से भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो 30 पे भी उतना ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिसको हम ऑल और नन लॉ कहते हैं लेकिन जब आप इसको फोर्टी करेंगे तो इनके साथ साथ ये वाली मोटर यूनिट भी फायर हो जाएंगी ठीक है यानी कि ये वाले जो अब मसल फाइबर्स जो हैं एड हो गए और कॉन्ट्रैक्शन का जो फोर्स है वो बढ़ गया और इसको हम कहते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ मोटर यूनिट सो मींस ऑन इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस देयर इज मोर रिक्रूटमेंट ऑफ द मोर मोटर यूनिट्स एंड दे इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन तो जब आप इसको और ज्यादा स्टिमुलस देंगे स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे उसकी स्टिमुलस की तो आपको क्या मिलेगा यू विल गेट अ हायर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यानी कि ये फोर्स बढ़ गया आपका क्यों बढ़ गया इट इज बिकॉज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ मोटर यूनिट्स यानी अब मोर मोटर यूनिट्स इसमें इन्वॉल्व हो गई और मोर मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए जिनका थ्रेश और ज्यादा था अब आप और ज्यादा फोर्स करें यानी कि और ज्यादा स्टिमुलस करें सॉरी आपको और ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस बढ़ाएं तो क्या होगा आपका फिर से फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ मोर रिक्रूटमेंट ऑफ मोटर यूनिट लेकिन एक टाइम के बाद आप कितना ही स्टिमुलस का स्ट्रेंथ बढ़ाएं अब वो नहीं बढ़ेगा वो जितना मैक्सिमम था उतने तक ही जाएगा क्यों बिकॉज ऑलरेडी ऑल द मोटर यूनिट्स आर रिक्रूटेड यानी कि जितनी भी मैक्सिमम जिनका थ्रेश होल्ड था वो भी सारे इन्वॉल्व हो गए अब उससे आप कितना भी आगे बढ़ाइए उनका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मैक्सिमम से ज्यादा नहीं बढ़ेगा क्योंकि हर मोटर यूनिट ऑल ओवर नन को फॉलो करती है या तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती है या वो नहीं करती ठीक है उसके लिए उसको थ्रेशोल्ड चाहिए बस थ्रेशोल्ड तक मिल जाए तो वो अगर कम करोगे तो वो नहीं रिक्रूट करेगी उससे ज्यादा दोगे तो रिक्रूट करेगी सो दिस इज रिक्रूटमेंट ऑफ मोटर यूनिट और ये ऑल और नन रूप को फॉलो करती है मोटर यूनिट अब इस मोटर यूनिट के लिए आपके तीन प्रिंसिपल्स होते हैं एक तो होता है इनर्वेशन रेशो जिसको आप आसानी से समझ सकते हो पहले इनर्वेशन रेशो क्या कहता है अ सिंगल मोटर न्यूरॉन से जितने मसल फाइबर सप्लाई हो रहे हैं That is known as ratio. जैसे कि अगर मैं यहां कहूं जो वन है हमारा उसकी मोटर यूनिट वन है एग्जाम्पल में उसका इन रेशो कितना है? इस डायग्राम के हिसाब से वन टू थ्री उसका है इनरवेशन रेशो थ्री जो दूसरा है उसका देखेंगे आप तो वन टू थ्री ये भी थ्री है लेकिन इसका देखेंगे तो ये दो को सप्लाई कर रहा है इसका कितना हुआ टू अंडरस्टैंड यानी कि नंबर ऑफ मसल फाइबर्स इनर्वेटेड बाय अ सिंगल मोटर न्यूरॉन इज नोन एज इनर्वेशन रेशो और ये इनर्वेशन रेशो कम होती है जिनमें फाइन हमें प्रिसाइज मूवमेंट या स्किल्ड मूवमेंट कराना होता है जैसे कि हमारी एक्स्ट्राकुलर मसल्स होती है हमारी हैंड की मसल्स होती है जो स्किल मूवमेंट कराती है तो उसमें एक सिंगल मोटर न्यूरॉन कम मसल फाइबर्स को सप्लाई करता है जिससे कि बेटर हम फाइन काम करा सके तो हैंड एंड एक्स्ट्रा एक्स्ट्राकुलर मसल्स में ये रेशो अप्रॉक्सिमेटली थ्री टू तो सिक्स होती है यानी कि एक मोटर मोटरन्यरॉन थ्री टू सिक्स मसल फाइबर्स को इनरवेट करता है बैक की मसल्स जो पोस्चर की मसल्स हैं उनमें एक मोटर न्यूरोन बहुत सारी मसल फाइबर्स को सप्लाई कर सकता है वो

साइज़ प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो स्मॉल मोटर यूनिट है वो स्लो ट्विच फाइबर्स को इनर्वेट करेगी स्लो ट्विच फाइबर्स कौन से होते हैं जो ऑक्सीडेटिव होते हैं यानी टाइप वन फाइबर्स होते हैं तो ये कहना चाह रहा है कि जो स्मॉल मोटर यूनिट का मतलब क्या है जिसमें जो मोटर न्यूरॉन uh, है जो मोटर न्यूरॉन आ रहा है इसका डायमीटर जिसमें स्मॉल होता है वो स्मॉल ट्विचिंग फाइबर्स को इनर्वेट करते हैं और जिनका जो डायमीटर है वो ज्यादा होता है यानी कि वो फास्ट कंडक्टिंग फाइबर्स होते हैं डायमीटर के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई मोटर न्यूरॉन कितना फास्ट कंडक्टिंग है, स्लो है स्मॉल डायमीटर होगा

स्मॉल मोटर यूनिट कौन सी होती है यानी कि जिनमें स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं तो जब आप स्टिमुलस थोड़ा देते हो बॉडी में क्योंकि ये तो हमने बात करी बाहर हमने एक एग्जाम्पल लिया लेकिन बॉडी के अंदर क्या हो रहा है कि आप जो इनर्वेशन कैसे आता है मतलब बेसिकली स्टिमुलस क्या है बॉडी में स्टिमुलस हो रहा है बॉडी में एक आपके या तो थॉट है या आपका काम है कि कितना ज़्यादा फोर्स उठाना है या क्या करना है तो अगर वो स्टार्टिंग में क्या होता है जो स्मॉल मोटर यूनिट है यानी कि जो ऑक्सीडेटिव स्लो फाइबर्स हैं वो आपके पहले कॉन्ट्रैक्ट uh, करेंगे और जरूरत पड़ने पे यानी कि अगर आपको लग रहा है कि आपको फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाना है तो उसके बाद मोर मोटर यूनिट का रिक्रूटमेंट होगा और किनका होगा जो कि आपके लार्ज मोटर यूनिट्स होंगी वो लास्ट में रिक्रूटेड uh, होंगी और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएंगी सो दिस इज ऑल अबाउट द मोटर यूनिट थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स